अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। शबाना क्रिश्चियन में हदीस में आपका इस्तकबाल। मैं मेरी ननद के लड़की के घर गई थी, महाड़। महाड़ में गई थी तो वहाँ पे कंपनी वालों के लिए खास करके ये गार्डन बनाया गया है, कंपनी वालों के बच्चों के लिए खास करके ये गार्डन बनाया गया। गार्डन भी इतना खूबसूरत है, आजू बाजू से हरियाली है, तरह तरह के पेड़ मतलब लगाए गए, खूबसूरत से मतलब झाड़ वगैरह लगे हुए, इतना अच्छा लग रहा था। और ये कैसे कोकण साइड में पड़ता है ना, तो ज़्यादा हरा भरा रहता है इधर। ये साइड मैंने जैसे भी वहाँ पे एंट्री की ना, तो मुझे सब हरा भरा दिखा। और यहाँ पे जगह जगह पानी रहता है, मतलब तालाब वगैरह है, नदियाँ है ना, बीच बहुत है यहाँ पे, बहुत सारे बीच है। तो बीच की वजह से ना यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है। महाड़ मतलब बॉम्बे के आसपास ही आ गए, पुना और बॉम्बे के, तो बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। मतलब हम लोग यहाँ पे ठंडी, अपने इधर हम अहमदनगर रहते वहाँ पे ठंडी है, पुना में भी ठंडी है, लेकिन यहाँ पे आए ना तो हम लोग एसी लगा के सो रहे थे, इतनी गर्मी थी। तो मेरी ननद बोली चलो मैं आपको ना खूबसूरत गार्डन दिखाती हूँ, यहाँ घर के पास ही है। तो फिर हम लोग निकल गए। तो हमने सुबह उठे, वजू वगैरह बना ली और नमाज़ पढ़ लिया और लगेज गार्डन के लिए आ गए हम लोग। ये इनका नवासा है, तो खेलने के लिए हमारे पीछे पीछे ये भी आ गया था। और मेरी ननद तो वॉक करती जा रही थी जोर जोर में, मतलब क्या होता है ऐसी नई जगह दिखती है और नई खूबसूरत सी लगती है ना। और यहाँ पर टेंशन ही नहीं ना, जेंट्स वगैरह सब का टाइमिंग अलग अलग है, तो फटाफट सब लेडीज निकलती है यहाँ पे घूमने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोला चलो मैं आज शूट कर लेती हूँ। इसलिए मैंने ना गार्डन का शूटिंग लिया थोड़ा, कि भैया कुछ अपने को सीखने मिलता है देखने। और नीट एंड क्लीन है वहाँ पे, इतने सारे लोग घूमने आते हैं, वॉकिंग के लिए भी आते, लेकिन कोई कचरा नहीं डालता। कोई अपने नगर में कैसे है, कुछ खा लिया, भेल खा लिए, समोसे खा लिए, खाने के तो बहुत शौकीन होती है लेडीज, तो लेते खाते हैं वहीं पे कचरा डाल देते। लेकिन यहाँ पे बाकायदा कचरा का डस्टबिन रखा हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम है। मतलब वॉकिंग करते करते अगर बच्चे को टॉयलेट कुछ भी होता है तो वहाँ पे उन्होंने साइड में वो टॉयलेट बाथरूम भी निकाल के रखा है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये गार्डन। मैं तो बोलती हमारे घर के पास भी अब ऐसे गार्डन होना चाहिए। तो ऐसे अपने लोगों को कुछ सीखना चाहिए, नगर सेवक जो भी रहते हैं ना आसपास के, अपने महानगर पालिका वाले, उनको सीखना चाहिए कि देखो ना ये कंपनी वाले रह के इतना खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं, तो ये लोगों को तो निधि मिलती है, पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे इधर इतना खूबसूरत गार्डन है ही नहीं। तो ऐसी जगह तो सच्ची ना, जाने को भी मन नहीं करता कि भाई घर जाए। और बच्चों के लिए भी, बच्चे भी बोर हो जाते तो गार्डन में आ जाते, थोड़ा पढ़ाई कर लो, ये कितनी अच्छी चीज़ है ना। हमें हमारे इधर क्या है, गार्डन वगैरह नहीं रहता है, बच्चा लेता है मोबाइल बढ़ जाता है खेलने के लिए, मोबाइल लेते हैं बैठ जाते हैं, मोबाइल लेते हैं बैठ जाते हैं, या तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ना बच्चों के लिए वो, हालांकि इनके भी घर में टीवी वगैरह सब है, लेकिन गार्डन है तो क्यों ना टीवी देखेगा बच्चा, क्योंकि सब फ्रेंड्स सर्कल होता है, लगे बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए। देखो कितने खूबसूरत से झाड़ लगी है इन, इसके बीच में से मेरे ननन जा रहे, बहुत ही मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद आ गया, बहुत ही अच्छा है। झूले लगे हुए है, स्लाइडिंग और लैडर, लैडर स्लाइडिंग है वहाँ पे, और आपको क्या बताओ मेरी गो राउंड है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। देखो ये अभी व्यायाम कर रही है, देखो इन्होंने झूला भी झूला, मैंने वो कुछ नहीं लिया क्योंकि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, तो जो ले सकती थी मैं उतना मतलब वीडियो डाल रही हूँ। हालांकि वो झूले में भी बैठी थी मेरी नाना, तो वो भी डालूंगी इंशाल्लाह मैं शॉर्ट वीडियो में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है वीडियो में वीडियो डालने के लिए। ये मेरी जिठानी जा रही है वॉकिंग के लिए, क्योंकि ये लेट उठी थी और ये लेट आई थी वॉकिंग के लिए, अब ये थक गए यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ गए। तो मैं शूटिंग ही कर रही थी, मैंने उनको बोला अच्छा हो गया आप भी आ गए, पैर पैर हिलाते बैठे थे, फिर जरा घूम के आए ना वो। और यहाँ पे देखो बीच में ना वो उनका कुछ ऑफिस वगैरह, लेकिन वो ऑफिस भी इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। हरियाली, लॉन वगैरह लगी हुई, अलग अलग कलर के ग्रास वगैरह लगे हुए, बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा गार्डन है। और इतना बड़ा गार्डन है कि ये गार्डन में ही अच्छे तरह से वॉकिंग हो जाती है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, रोड पे मत जाओ, सड़क इधर उधर मत जाओ, यहाँ पे भी आपको वॉकिंग करने मिल जाएगा। और सब फ्रेंड सर्कल होती है, लेडीज भी होती है, ये भी होती है, और नारियल के पेड़ देखो ना कितने अच्छे से, बहुत ही प्यारे। मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे ननन को भी, जिठानी को भी, सबको पसंद आ गया। तो ये तो मैं तो जा भी नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने बोले नहीं चल घर में बैठ के क्या करेंगी, घर में ही बैठे रहती है, कहीं बाहर जाती नहीं आती नहीं। तो उनकी गाड़ी थी, मैं उसके साथ निकल गई। तो 3 दिन बड़े मुश्किलों से मैंने बाहर निकाले, क्योंकि मैं जाना ही नहीं होता ना, घर में काम सारा बहुत सारा होता है। तो देखिए आपको इस गार्डन बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, जो भी आपके महाड़
में है, आप जरूर जाइए इस गार्डन को देखने के लिए।